है दोस्तों, भाई गैलेक्सी नोट 10 प्लस आ गया है हमारे पास। और यार सैमसंग के फ्लैगशिप्स की जनरली बैटरी लाइफ उतनी ज्यादा धांसू नहीं होती है, बट इस साल नोट 10 के साथ उन्होंने काफी सारी चीजें अपडेट करी हैं, चार्जिंग स्पीड बढ़ा दी है। नोट 10 प्लस में जो बैटरी मिलती है वो अभी तक के किसी भी सैमसंग फ्लैगशिप की सबसे बड़ी बैटरी है। तो भाई देख लेते हैं कि बैटरी लाइफ में कुछ फर्क दिखता है या नहीं। बात करेंगे इसका बैटरी टेस्ट, साथ में है गैलेक्सी नोट 9 पिछले साल का, और इस साल का हमारा बैटरी चैंपियन हुआवी P30 प्रो और सब लोगों का फेवरेट OnePlus 7 प्रो। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। रुकिए, वीडियो शुरू करने से पहले भूलिए नहीं हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो सबसे पहले बैटरी कैपेसिटीज मैं आपको बता देता हूं। यहां पे नोट 9 और OnePlus 7 प्रो दोनों में 4000 mAh की बैटरी आपको मिल जाती है। P30 Pro में आपको 4200 mAh की बैटरी मिलती है। सबसे बड़ी बैटरी है Note 10 Plus के पास यहाँ पे। तो टेस्ट शुरू करने से पहले यहाँ पे सारे फोन्स में ऑटो ब्राइटनेस ऑफ है, सारे फोन्स फुल ब्राइटनेस पे हैं। P30 Pro के अलावा बाकी तीनों फोन्स में आपको QHD रेजोल्यूशन मिल जाती है। तो इस टेस्ट के लिए मैंने सारे फोन्स को फुल HD प्लस रेजोल्यूशन पे रखा हुआ है। OnePlus 7 Pro पे जो स्क्रीन रिफ्रेश रेट है वो 90Hz पे ही है, कि भाई वो उसका अलग से फीचर है, वो बंद कर देंगे तो पॉइंट खत्म हो जाएगा फिर OnePlus 7 Pro का उस स्क्रीन का। टेस्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करेंगे 2 घंटे का म्यूजिक प्लेबैक, वही सेम फॉर्मेट फॉलो करेंगे। पहला 1 घंटा म्यूजिक प्लेबैक करेंगे स्क्रीन ऑफ करके। तो 1 घंटा पूरा हो गया है म्यूजिक प्लेबैक का, और यहाँ पे भाई नोट 10 प्लस में थोड़ा सा सरप्राइजिंग रिजल्ट, काफी ज्यादा पीछे चले गया है बाकी फोन से। P30 Pro और OnePlus 7 Pro में आप देखो कितनी सही बैटरी होल्ड करी है। और ये प्रॉब्लम मुझे हमेशा लगती है यार सैमसंग के फोन्स के साथ, उनका जो स्टैंड बाई टाइम होता है या फिर स्क्रीन ऑफ करके भी जो आपको बैटरी होल्ड वो करते हैं, काफी खराब होता है उनका परफॉर्मेंस। दोनों सैमसंग के फोन्स आप देख सकते हो पीछे चले गए हैं यहाँ पे। तो अब नेक्स्ट 1 घंटा म्यूजिक प्लेबैक करेंगे स्क्रीन ऑन करके ही। तो म्यूजिक प्लेबैक का 2 घंटा खत्म हो गया है। सैमसंग के दोनों फोन सबसे पीछे चले गए हैं, P30 Pro यहाँ पे सबसे आगे आ गया है। P30 Pro के पास एक छोटा सा एडवांटेज यहाँ पे है कि बाकी तीनों फोन में आपको स्टीरियो स्पीकर सेटअप मिलता है, जबकि यहाँ पे सिर्फ सिंगल स्पीकर है। नेक्स्ट टेस्ट है हमारा 2 घंटे का वीडियो प्लेबैक टेस्ट, जिसके लिए यूज करेंगे यूट्यूब। तो वीडियो प्लेबैक का 1 घंटा खत्म हो गया है और OnePlus 7 Pro थोड़ा सा ज़्यादा बैटरी लूज करने लगा है, ऑलमोस्ट Note 10 के पास आ गया है वो। Note 9 सबसे पीछे चला गया है यहाँ पे। और यार चारों फोन यहाँ पे साथ में रखे हुए हैं, तो मैं आपको एक बार जल्दी से स्क्रीन कंपेयर करके भी दिखा देता हूँ। तो यार चारों फोन पे हमें AMOLED स्क्रीन मिल जाती हैं, और AMOLED स्क्रीन का जो खासियत है भाई, चारों फोन पे आपको बहुत अच्छे ब्राइटनेस लेवल्स, बहुत ही ज़्यादा अच्छे कलर्स और सैचुरेशन लेवल्स बहुत ज़्यादा अच्छे मिल जाते हैं। अब सैमसंग फेमस है कि वो सबसे अच्छी फोन स्क्रीन्स बनाता है यहाँ पे, और वो चीज़ आपको दिख भी जाएगी। नोट 10 प्लस की स्क्रीन तो इतनी ज्यादा प्यारी लगती है, आप लैपटॉप छोड़ के इसी पे देखने वाले हो सारी चीजें। बट यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग बात है कि यार P30 Pro और OnePlus 7 Pro में जो आपको स्क्रीन मिल जाती है वो भी एकदम सेम लेवल की मिल जाती है, और साइड बाय साइड देख के भी बहुत ज्यादा मुश्किल है यहाँ पे एक क्लियर विनर चूज करना। स्क्रीन एक्सपीरियंस की बात करूं तो OnePlus 7 Pro के पास थोड़ा सा एडवांटेज है कि उसमें कोई नॉच, कोई कटआउट नहीं है, तो एकदम सीमलेस स्क्रीन एक्सपीरियंस आपको दिखता है। तो वीडियो प्लेबैक का 2 घंटा खत्म हो गया है, टेस्ट को 4 घंटे हो चुके हैं। नोट 9 यहां पे सबसे ज्यादा पीछे रह गया है। नोट 9 यार यहाँ पे सबसे पुराना फोन भी है, तो थोड़ा बहुत इफेक्ट इसकी बैटरी लाइफ को उसकी वजह से भी पड़ सकता है। फिर भी क्लियर है कि भाई सैमसंग के दोनों फोन जो है वो बैटरी उतना अच्छा होल्ड नहीं कर पा रहे हैं जितना ये बाकी दोनों फोन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टेस्ट है हमारा 2 घंटे का गेमिंग टेस्ट। पहला 1 घंटा खेलेंगे Asphalt 9, और एक बार लोडिंग टाइम भी चेक कर लेते हैं। मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ देखने में कि जो Exynos 9825 है वो Snapdragon 855 के सामने कैसा परफॉर्म करता है। आपने देखा OnePlus 7 Pro में कितना जल्दी हो गया गेम लोड। तो गेमिंग का 1 घंटा पूरा हो गया है, और भाई गैलेक्सी नोट 9 के साथ बहुत बुरा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे मैं आपको एक बार जल्दी से टेम्परेचर चेक करके भी दिखा देता हूँ सारे फोन्स का। तो नोट 9 अराउंड 38 डिग्रीज पे है, नोट 10 40 के अराउंड है, P30 Pro 38 है, और OnePlus 7 Pro 43 डिग्रीज पे है। तो OnePlus 7 Pro काफी ज्यादा गर्म लग रहा है। तो गेमिंग का 1 घंटा बचा है, अब 1 घंटा हम खेलेंगे पबजी मोबाइल, और पबजी का भी एक बार लोडिंग टाइम चेक करके देख लेते हैं।
तो गेम शुरू करने से पहले ग्राफिक सेटिंग आपको दिखा देता हूँ। सारे फ्लैगशिप फोन्स हैं तो सारे फोन्स पे गेम चलाएंगे HDR ग्राफिक्स और अल्ट्रा फ्रेम रेट पे। सिर्फ P30 Pro और OnePlus 7 Pro में ऑप्शन है कि आप एक्सट्रीम फ्रेम रेट पे भी जा सकते हो। Samsung के दोनों फोन्स में एक्सट्रीम फ्रेम रेट का आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो पहला विकेट ऑलरेडी डाउन हो गया है। नोट 9 की बैटरी सबसे पहले खत्म हो गई है यहाँ पे। और इसके साथ ही हमारा ब्रांड न्यू धुरंधर भी भाई हो गया है खत्म। तो नोट 9 से आधा घंटा टाइम यहाँ पे एक्स्ट्रा हमें मिल गया, बट अगर आप ओवरऑल देखो तो यार बैटरी लाइफ अभी भी ज्यादा अच्छी नहीं है गैलेक्सी नोट की। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भाई, ये नोट 10 प्लस है जिसमें आपको 4300 mAh की बैटरी मिलती है, तब ये हाल है। अगर आप नोट 10 लोगे जिसमें 3500 mAh बैटरी है तो फिर आपको रेडी रहना चाहिए कि बैटरी इश्यूज बहुत होने वाले हैं आपको। दूसरी चीज, अभी फुल HD पे थी रेजोल्यूशन यहाँ पे, जबकि फोन ये 2K रेजोल्यूशन सपोर्ट करता है, बट मैं इसको 2K रेजोल्यूशन पे यूज कर रहा था और उसमें तो भाई 4 से 5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम भी बहुत मुश्किल से यहाँ पे निकल पाता है। फुल HD रेजोल्यूशन में आपको फिर भी शायद ये फोन एक दिन पूरा लास्ट कर जाए। तो 6 घंटा मार्क टच होने से जस्ट पहले OnePlus 7 Pro की भी बैटरी खत्म हो गई है। यार OnePlus फोन्स में वैसे हमें हमेशा काफी अच्छी बैटरी लाइफ मिलती थी, बट इस बार जो OnePlus का फ्लैगशिप है उसमें उन्होंने एक बहुत ही खतरनाक स्क्रीन डाली है। बहुत बड़ी स्क्रीन है, 90Hz रिफ्रेश रेट है, 2K रेजोल्यूशन सपोर्ट करती है, बट 6 घंटे के अराउंड स्क्रीन ऑन टाइम मिल रहा है, मतलब आप एक दिन तो काट ही सकते हो मोर ऑर लेस। बट इसका मतलब ये है कि आज फिर से भाई हमारा बैटरी चैंपियन बनने वाला है Huawei P30 Pro। गेमिंग के 2 घंटे खत्म हो गए हैं, बाकी तीनों फोन हमारे डेड हो गए हैं। Huawei P30 Pro में अभी तक बची है 20% बैटरी। अगला टेस्ट जो हमारा है 2 घंटे का सोशल मीडिया टेस्ट, जिसके लिए यूज करेंगे TikTok। फाइनली P30 Pro की बैटरी भी खत्म हो गई है भाई। लास्ट फोन के ऊपर 1 घंटा 20 मिनट इसने हमें एक्स्ट्रा दे दिया है। तो ये है फाइनल बैटरी स्टैंडिंग। सबसे पहले बैटरी खत्म हुई गैलेक्सी नोट 9 की, जहाँ पे हमें सिर्फ 5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिला। नोट 9 की यार बैटरी वैसे भी पिछले साल ज्यादा अच्छी नहीं थी और अभी वो थोड़ा पुराना भी हो गया है, इसलिए थोड़ा सा और फर्क पड़ गया होगा। उसके बाद आया गैलेक्सी नोट 10 प्लस, जो भाई ब्रांड न्यू है। यहाँ पे आप अज्यूम कर सकते हो कि जो बैटरी लाइफ आपको अभी मिल रही है इससे और ज्यादा कम ही होने वाली है बैटरी लाइफ। यार ये चीज मैं काफी टाइम से बोल रहा हूँ, बट लोग इसको उतना एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि जो सैमसंग के जो फ्लैगशिप एक्सिनोस प्रोसेसर्स हैं भाई बहुत खराब है उनकी ऑप्टिमाइजेशन जो है, और बैटरी लाइफ स्पेशली इतना ज्यादा स्ट्रगल करते हैं सैमसंग के सारे फोन्स पे। सबसे बड़ी बैटरी है इस फोन में, तब भी इसने इतना कम बैटरी लाइफ हमें दिया है, और अभी फुल HD प्लस रेजोल्यूशन पे था ये फोन। अगर QHD पे होता तो भाई और बहुत ज्यादा कम हो जाती इसकी बैटरी लाइफ। इस सैमसंग फ्लैगशिप अगर आप खरीदने का सोच रहे हो तो प्लीज स्नैपड्रैगन वाला वर्जन किसी तरह जुगाड़ कर लो, एक्सिनोस वाला वर्जन तो बिल्कुल मत खरीदो। सेकंड नंबर पे आया OnePlus 7 Pro, जो भाई अपनी बैटरी के हिसाब से ठीक ठाक बैटरी लाइफ दे देता है। बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं है क्योंकि बहुत यहाँ पे बड़ी फैंसी सी स्क्रीन आपको मिल रही है, तो बैटरी लाइफ थोड़ा हिट ले लेती है। फिर भी जैसा हमने देखा कि सैमसंग के दोनों फ़ोन से बेटर बैटरी लाइफ इसने दे दी, और आज फिर से भाई हमारा विनर बन के आया है Huawei P30 Pro। ये फ़ोन 6 महीने पुराना हो चुका है, 6 महीने से रोज़ इसको मैं चार्ज डिस्चार्ज कर रहा हूँ, मैं अपना डेली ड्राइवर यूज़ करता हूँ इसको। और तो अगर ब्रांड न्यू कंडीशन में होता ये फ़ोन तो भाई और बेटर बैटरी लाइफ आपको दे देता, पर बहुत अच्छा फोन है ये बैटरी लाइफ के मामले में। और Huawei के जो ऑप्टिमाइजेशन है बहुत अच्छे हैं, जो Kirin चिपसेट है, जैसे हमने आज देखा कि भाई स्टैंड बाई टाइम में तो वो बहुत ज्यादा अच्छा है, स्पेशली कंपेयर करें अगर Exynos प्रोसेसर से। इस टाइम जितने भी फ्लैगशिप फोन है भाई मार्केट में, उसमें से सबसे अच्छी सबसे ज्यादा बैटरी लाइफ आपको यही फोन देगा। तो ये हो गया बैटरी ड्रेन टेस्ट, अब करेंगे बैटरी चार्जिंग टेस्ट। और चार्जिंग स्पीड यहाँ पे बताता हूँ, सबसे स्लो स्पीड यहाँ पे है गैलेक्सी नोट 9 में, 15W की चार्जिंग मिलती है आपको। सैमसंग की ये अडेप्टिव फास्ट चार्जिंग भाई काफ़ी सालों से चलती आ रही थी, इसी साल सैमसंग ने उसको अपग्रेड किया है। तो नोट 10 में आपको 25W की फास्ट चार्जिंग मिल जाती है। वैसे ये फ़ोन 45W तक सपोर्ट करता है फास्ट चार्जिंग, बट वो 45W वाला चार्जर सैमसंग अलग से बेच रहा है, और अभी मार्केट में और कोई चार्जर नहीं है जो इसको 45W पे चार्ज कर पाए। तो इसको चार्ज करेंगे 25W चार्जर से। OnePlus 7 Pro में हमें मिलती है OnePlus की 30W की वॉप चार्जिंग, और P30 Pro में यहाँ पे सबसे तेज चार्जिंग है ऑन पेपर, 40W की सुपर चार्जिंग है। चलिए फिर टेस्ट स्टार्ट करते हैं।
15 मिनट हो गए हैं चार्जिंग के, सबसे आगे चल रहा है वन प्लस 7 प्रो, 36% पे है। गैलेक्सी नोट 10 भाई काफी तेज चार्ज हो रहा है, 33 पे आगे ऑलरेडी। सबसे पीछे चल रहा है नोट 9, ऑब्वियसली जिसमें सबसे स्लो चार्जिंग मिलती है। तो आधा घंटा पूरा हो गया है और आज यार P30 Pro की चार्जिंग में कुछ इशू है, क्योंकि जनरली आधे घंटे में ये 60-70% पे होता है, बट आज ये 47% पे है अभी तक बस। देखते हैं चलिए एंड तक ये कुछ कैचअप करता है या नहीं। सबसे आगे चल रहा है OnePlus 7 Pro का वॉर्प चार्ज, काफ़ी तूफानी स्पीड से चार्ज कर रहा है। Note 10 Plus भी 50% क्रॉस कर चुका है और Samsung के हिसाब से भाई बहुत तेज स्पीड है ये। आप देख सकते हो Note 9 अभी भी 40% से नीचे है और ये स्पीड हमें मिलती थी चार्जिंग की Samsung के फ्लैगशिप्स में अभी तक। 45 मिनट्स हो गया है चार्जिंग का और आज यार P30 Pro बेइज्जती कराने पे तुल गया है। इस टाइम तक काफी 90s के पास होता है, जैसे वो बच्चे नहीं होते जब मम्मी कहती है कि बेटा अंकल आए हैं कुछ गा के सुना दो और बच्चा एकदम चुप हो जाता है, वही कर रहा है P30 Pro आज भाई। वैसे बहुत तेज चार्ज होता है, आज थोड़ा स्लो चल रहा है। सबसे आगे यहाँ पे चल रहा है OnePlus 7 Pro। Note 10 Plus की स्पीड ने मुझे सबसे ज्यादा सरप्राइज किया है भाई, 83% पे ऑलरेडी आ गया और देखना पड़ेगा कि भाई फुल चार्ज भी है जल्दी होता है या फिर लास्ट के 10-15% स्लो हो जाएगा। तो चार्जिंग का एक घंटा पूरा हो गया है, P30 Pro ने थोड़ी सी भाई इज्जत बचा ली है, गजब वापसी करी है यहाँ पे इसने। Note 10 Plus अभी भी सबसे आगे चल रहा है 95% पे, बट OnePlus 7 Pro, P30 Pro, Note 10 Plus ऑलमोस्ट बराबर बराबर से हैं। देखते हैं सबसे पहले कौन 100% टच करेगा। तो Note 10 Plus हो गया है 100% ऑलरेडी, P30 Pro को इसने बीट कर दिया जिसको मैं अभी तक भाई सबसे तेज चार्जिंग वाला फोन मानता था। आप देख सकते हो Note 9 की बैटरी इस टाइम 83% पे है और यहाँ पे थोड़ी सी छोटी भी है बैटरी, इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट एक ही बार में Samsung ने कर दिया है अपनी फास्ट चार्जिंग स्पीड्स में। तो पीछे पीछे P30 Pro ने भी 100% टच कर लिया है और जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था पहले आधे घंटे में 70% होता है P30 Pro, आज 50% के अराउंड था। तो शायद फोन पुराना हो गया है या फिर शायद फोन गर्म था बैटरी टेस्ट से, इसलिए उसने चार्जिंग स्पीड में उतना ज्यादा नहीं दिखाया। बट भाई जो भी कहो चार्जिंग स्पीड बहुत तेज है P30 Pro की और अब Note 10 Plus ने भी उसको टक्कर दे दी है और OnePlus 7 Pro भी 100% टच हो गया है इसके साथ ही। फाइनल फोन रह गया है हमारा Galaxy Note 9, देखते हैं ये कितना टाइम लगाता है 100% टच होने में। और भाई Note 9 की बैटरी भी 100% टच हो गई है, तो वही 1 घंटा 45 मिनट का इसको टाइम लगा। ये है फाइनल बैटरी चार्जिंग रिजल्ट्स, यहाँ पे भी सबसे पीछे खत्म किया भाई Galaxy Note 9 ने, 1 घंटा 45 मिनट का टाइम इसको लगता है फुल चार्ज होने में। और ये वाला फास्ट चार्जिंग स्टैंडर्ड Samsung ने 4 साल पहले निकाला था और अभी तक हमें यही चार्जिंग स्टैंडर्ड मिल रहा था, इसकी वजह से Samsung के फ्लैगशिप्स बाकी सारे फ्लैगशिप्स से बहुत ज्यादा पीछे हो गए थे। थर्ड नंबर पे आया OnePlus 7 Pro जिसमें आपको तूफानी वॉर्प चार्ज मिलता है, 1 घंटा 15 मिनट में पूरा चार्ज कर देता है फोन को। और OnePlus ने जब डैश चार्ज सिस्टम निकाला था तब वो भाई एक अलग ही लेवल की स्पीड पे चार्जिंग करता था, बट इतनी स्पीड के बाद भी इस फोन ने आज थर्ड फिनिश किया, इससे हमें पता चलता है कि भाई कितना ज्यादा इंप्रूव हो गई है चार्जिंग स्पीड्स। सेकंड पे आया भाई आज Huawei P30 Pro जिसमें ऑन पेपर सबसे तेज चार्जिंग है और अभी तक का ये भाई फास्टेस्ट चार्जिंग फोन था मेरे लिए, 1 घंटा 5 मिनट से 1 घंटा 10 मिनट के अराउंड ये फुल चार्ज हो जाता है। आज समाओ इसने स्लो स्टार्ट करी थी, इस वजह से इसके ओवरऑल टाइम में 5-7 मिनट एक्स्ट्रा हो गए। चार्जिंग टेस्ट का आज का विनर है हमारा Galaxy Note 10 Plus, 1 घंटा 10 मिनट में 4300 mAh की बैटरी को फुल चार्ज कर दिया। और अब देख रहे हो Note 9 से पूरा 40 मिनट कम लिया और वो भी बड़ी बैटरी के लिए, और ये बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट है। और ये तो सिर्फ अभी 25 वॉट चार्जर से हमने चार्ज किया है, अगर आप एक्चुअली 45 वॉट वाला चार्जर ले लोगे Note 10 Plus का तो फिर तो भाई ये आग ही लगा देगा मुझे लगता है। ये था भाई आज का बैटरी टेस्ट, अब एक ओवरऑल विनर मुझे चुनना हो तो भाई डेफिनेटली विनर बनेगा यहाँ पे Huawei P30 Pro। चार्जिंग स्पीड आपको बहुत तेज मिल जाती है और जो बैटरी लाइफ मिलती है वो एकदम अनमैच्ड है और कोई फोन उसके आसपास भी नहीं आता है। Galaxy Note 10 Plus जो भाई आज नया एंट्रेंट था, चार्जिंग स्पीड में इसने बहुत सही धमाका दिखाया
बट यार जो बैटरी लाइफ है इसकी थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग है ये। और यहाँ पे बात ये है कि एक ऐसी चीज है जो ऐसा भी नहीं है कि सॉफ्टवेयर अपडेट से फिक्स हो जाएगी या कुछ, क्योंकि मोस्टली ये जो बैटरी लाइफ यहाँ पे हमें देखने को मिली है ये एक्सिनोस प्रोसेसर की वजह से है। जनरली अगर आप बाकी लोग का रिव्यू देखोगे जिन्होंने स्नैपड्रैगन वाला वर्जन रिव्यू किया है नोट 10 प्लस का, तो सब लोग काफी तारीफ कर रहे हैं बैटरी लाइफ की। बट जैसा हमने देखा नोट 9 से इंप्रूवमेंट तो है बैटरी में, बट फिर भी P30 Pro के लेवल के आसपास भी नहीं पहुंच पाता ये फोन। भाई इस वीडियो के लिए इतना ही, आप बताओ वीडियो कैसी लगी और कौन सा कंपैरिजन आपको देखना है। नोट 10 प्लस के बारे में आपको और कोई वीडियो देखनी है तो भाई नीचे जरूर कॉमेंट कर देना। चलो फिर मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए